हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स लेन पे। तो जैसा कि गाइस नेक्स्ट यहाँ पे T10 स्वीडन में स्टार्ट होने वाले हैं, तो गाइस यहाँ पे आप सभी को इस मैच का पहला जो शेड्यूल सेट हुआ है दोस्तों BOT वर्सेस गाइस PF के बीच में पहला जो मैच खेला जाना है स्वीडन T10 का। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि दोनों टीमों के दोस्तों फुल स्कोर का रिकॉर्ड क्या है, कौन सी प्लेइंग लाइन इस मैच में होने वाली है, साथ ही गाइस यहाँ पे कौन सा प्लेयर जो आपको ओपन करके देगा बैटिंग में, प्लस कितने और बॉलिंग कौन सा प्लेयर करके देने वाला है, सारा कुछ काफी डीपली हम इस वीडियो का कवर करने वाले। तो दोस्तों इस मैच के अंदर आपको कैसे टीम क्रिएट करना है, कौन से प्लेयर को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनशिप करना है, और यहाँ पे गाइस कुछ ऐसे प्लेयर भी है जिनका सिलेक्शन दोस्तों बहुत ही लो है, लेकिन गाइस प्लेयर बहुत ही ज्यादा जो है बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों किसको अपने टीम में लेना है, किसको नहीं लेना है, सारा जो डाउट है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और इस मैच में आप दोस्तों हमेशा की तरह, जैसा कि हमारे T10 के सारे मैच है दोस्तों क्लीन स्वीप जाते हैं, तो ये T10 भी आपका मैं क्लीन स्वीप कराने वाला हूं, और हर मैच में दोस्तों आपका काफी अच्छा प्रॉफिट मैं करा दूंगा। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो आपने लास्ट तक देखना, उसके बाद उसे आपको खुद पता लग जाएगा कि किसको अपने टीम में आपने लेना है, किसको यहां पे कैप्टन वाइस कैप्टनशिप करना है, जिससे आप वन साइड एंड विनिंग कर लोगे। तो गाइस बिना टाइम बर्बाद किए आगे हम बढ़ते हैं हमारे स्टैट्स की तरफ, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे मैच का इन्फो तो आपको पता चल ही चुका है गाइस, यहां पे पहला जो T10 का मुकाबला खेला जाना है बोटकायरका वर्सेस गाइस यहां पे जो पाकिस्तानस्का फॉरेनिंग की टीम के बीच में दोस्तों पहला मुकाबला खेला जाना है। टाइमिंग की बात करें दोस्तों यहां पे 12:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों मैच स्टार्ट हो जाना है। वेन्यू का हिसाब से बात करें तो नॉर्थ बर्ड क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों यहाँ पे, जो मुकाबला लाइव खेला जाना है। बाकी बात करें यहाँ के पिच की तो दोस्तों पिच रिपोर्ट यहाँ पे आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों को काफी अच्छा सपोर्ट करता है। इसका मेन दोस्तों यहाँ पे मैट फॉरवर्ड पिच यूज किया जाएगा, जहाँ पे गाइस आपको बता दूं थोड़ा पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिलेगा, तो आपको कौन से प्लेयर को अपनी टीम में लेना है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्कोर, तो यहाँ पे गाइस 80-90 के बीच आपको टोटल जो एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। और गाइस पहला मैच यहाँ पे होगा, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी पहला मैच खेला जाता है तो दोस्तों लो स्कोरिंग ही मैच देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बात करें अगर दोस्तों पाकिस्तानस्का की टीम पहले बैटिंग करती तो हो सकता है आपको अराउंड 90 के पास दोस्तों आपको जो स्कोर देखने को मिल सकता है पहले इनिंग की तरफ से। साथ ही गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे वेदर की, तो दोस्तों यहाँ पे वेदर तो फिलहाल क्लियर ही रहेगा, बाकी दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे क्लाउड भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे मौसम वैसे फिलहाल ठीक ठाक रहेगा, बारिश के कोई चांसेस यहाँ पे अभी नहीं होने वाले हैं। साथ ही गाइस बात कर लेते हैं इस मैच जो दोस्तों विनिंग प्रिडिक्शन की, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन रहेगा कि PF की टीम दोस्तों इस मैच के लिए फेवरेट टीम रहेगी, और गाइस हाई चांसेस रहेगा कि यहाँ पे पाकिस्तानस्का की टीम इस मैच को विन भी करेगी। इसका मेन रीजन गाइस टीम बहुत ही बेस्ट है, और लास्ट सीजन में दोस्तों इस टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, और दोस्तों इसके मैचेस सारे काफी अच्छे से, जो सारे के सारे मैचेस लास्ट सीजन T10 के विन भी किए थे यहाँ पे स्वीडन में। तो गाइस जिसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आप 6 से 7 प्लेयर आसानी से ले सकते हैं यहाँ पे PF की टीम की तरफ से, जिसका आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ग्रैंड लीग खेले तो दोस्तों यही कॉम्बिनेशन रखना, 6-7 प्लेयर जब ज्यादा से ज्यादा लेना कि PF की टीम की हो, जिससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट इस मैच में हो जाएगा। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपको कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और गाइस बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि आगे से आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर पाओ। और डेली का दोस्तों काफी अच्छी अर्निंग करने के लिए क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है टॉस के बाद, जिसका आपको डेली का काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों सारे मैचेस के क्लीन स्वीप टीम जो फाइनल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं हमारे चैनल नेम सर्च करके भी दोस्तों जो ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टीम की प्लेइंग लाइन बैटिंग ऑर्डर क्या होगी, कौन से प्लेयर के कैसे रिकॉर्ड है T10 के अंदर, जो प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेइंग लाइन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेंच में कौन से प्लेयर रहेंगे, कौन सा प्लेयर दोस्तों बाहर बैठेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन आपको कौन से प्लेयर करके देने वाले, तो गाइस यहाँ पे मोहम्मद अशफाक और दोस्तों अहमद जुल्फिकर, दोस्तों इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को दोस्तों प्लेइंग लाइन में जगह मिलेगा। ये दोस्तों फाइनल जो मैनेजमेंट की टीम अभी जो करेगी वो मैं आपको अपने जो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों जो भी यहाँ पे टीम की न्यूज आती है वो मैं आपको अपने टीम जो टेलीग्राम पे दे दूंगा। फिलहाल गाइस बात करें तो इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर यहाँ पे ओपन करेगा, और गाइस बता दूं आपको हाई चांस रहेगा कि मोहम्मद अशफाक इस मैच में खेलेंगे और आपको ओपन करके देंगे। और आपको बता दूं गाइस ये प्लेयर बहुत ही शानदार है, बैटिंग में दोस्तों आपको जो स्पिन हो या फिर दोस्तों पेस हो, दोनों के खिलाफ दोस्तों काफी बेहतरीन बैटिंग करता है और हिटिंग बैटिंग करेगा, तो ये प्लेयर इस मैच के लिए बहुत ही शानदार होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर अहमद जुल्फिकर भी खेलता है तो गाइस इस प्लेयर का रिकॉर्ड
भी कुछ खराब नहीं है। इसने दो मैचेस केवल प्ले किए थे लास्ट सीजन, जहां पर गाइस जिसने 77 रन टोटल बनाए थे दो मैचेस में। तो गाइस इन दोनों प्लेयर की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। दोनों में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो आपको दोस्तों आंख बंद करके कि दोनों में से कोई भी खेलता है तो उसको अपनी टीम में आप ले सकते हो। साथ ही गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे दोस्तों ओपन इनके साथ कौन सा प्लेयर करेगा। यहां पे दोस्तों सानी ख्वाजा या फिर गाइस हो सकता है रहमान अब्दुल। दोस्तों इन दोनों में से कोई एक प्लेयर जो यहां पे मुशफा के साथ जो मोहम्मद अशफाक के साथ ओपन कर सकता है। तो गाइस फिलहाल जो अभी मैं आपको बता दूं यहां पे हो सकता है कि सानी ख्वाजा इस मैच आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका अगर टोटल रिकॉर्ड बात की जाए लास्ट सीजन के तो इसने टोटल 8 मैचेस प्ले किए थे, जहां पे गाइस 160 से इसने ज्यादा रन बनाए थे। फिलहाल गाइस यहां पे 160 से आपको बता दें 160 प्लस इसने टोटल जो स्कोर किया था और बॉलिंग भी किया था जहां पे कुछ ओवर्स कुछ मैचेस में जहां पे इसने 3 विकेट आपको निकाल के दिया है। तो गाइस जिस मैच इसकी बॉलिंग आएगी ना आएगी ये भी आपको बता दूं कंफर्म, क्योंकि यहां पे इनका दोस्तों अदर ऑप्शंस है बॉलिंग के लिए काफी सारे, तो इसका हो सकता है कम ही चांस होगा कि सानी ख्वाजा इस मैच में आपको बॉलिंग करके देंगे। तो ये गाइस अपने ध्यान में रखना है, इसको बॉलिंग डिपार्ट के लिए सिलेक्ट मत करना। आपको अगर यहां पे फोकस करना है तो बैटिंग के लिए सानी ख्वाजा आपके लिए बेस्ट होने वाले, बाकी आप इसका रिकॉर्ड देख ही सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों गुरपाल रंधावा की, जो कि आपको यहां पर वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएगा। इसने लास्ट सीजन 4 मैचेस प्ले किए थे जहां पर 41 रन बनाए थे प्लस 2 विकेट आपको निकाल कर दिया हुआ है। और गाइस नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे टीम के वासी मोहम्मद, जो कि दोस्तों आप विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे इस मैच में और चौथे नंबर पे प्लस आपको बैटिंग भी करके देने वाला है। जो प्लेयर है मिडल ऑर्डर में आपको बैटिंग करके देगा और आपको बता दूं काफी हिटिंग बैट्समैन आता है तो काफी तेजी से खेलता है, भले ही दोस्तों यहां पे कुछ ही बॉल खेलेगा लेकिन आपको दोस्तों काफी अच्छी रन बनाकर दे देगा। यहां पे देख सकते हैं 5 मैचेस में इसने 88 रन टोटल बनाए और बॉलिंग करते इसने दोस्तों 3 विकेट भी निकाल कर दिया हुआ है। तो गाइस प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन में। साथ ही गाइस नेक्स्ट बात करते हैं अली हसानी के, तो गाइस यहां पे जो वासी मोहम्मद और अली हसानी दोस्तों अगर ग्रैंडली खेले तो इन दोनों प्लेयर को अपनी टीम में जरूर ले लेना और इनके स्टार्टिंग एक दो विकेट जल्दी गिरते हैं। तो गाइस ये मिडिल ऑर्डर के जो दो प्लेयर है आपके लिए सबसे बेस्ट और रन प्लेयर बन जाएंगे ग्रैंड लीग में। गाइस दोनों प्लेयर जो काफी तेजी से रन बनाते हैं और बॉलिंग भी यहां पे आपको करके देंगे तो ये दोनों पिक इस मैच के लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं। और गाइस ये सब आपको कहीं भी और नहीं बताया गया कोई भी, यहां पर गाइस मैं आपको जो बताता हूं काफी बेहतरीन प्रेडिक्शंस आपको देता हूं जो कि T10 के अंदर दोस्तों 100% सक्सेसफुली रहता है और आप काफी अच्छी अर्निंग भी डेली का कर लेते हो। तो गाइस यहां पे इन दोनों प्लेयर पर फोकस करना कि ग्रैंड लीग खेल लो तो गाइस इन दोनों प्लेयर को अपनी टीम में जरूर ट्राई कर लेना और चाहो तो यहां पे कैप्टन कर सकते हो अली हसानी को दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, जो कि काफी बेहतरीन पिक हो जाएगा। साथ ही गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसन महमूद के बारे में। तो गाइस जिस प्लेयर ने 8 मैचेस टोटल प्ले किए थे जहां पे दोस्तों 97 रन टोटल बनाए थे बैटिंग करते और 5 विकेट इसने लास्ट सीजन निकाले थे। गाइस प्लेयर काफी अच्छा हो सकता है, यहां पे इसको आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन गाइस यहां पे आपको बता दूं कि टीम मैनेजमेंट को अगर कोई चेंजेस होता है तो हो सकता है यहां पे दोस्तों अहमद खेलते हैं तो यहां पे क्या होगा जिसन महमूद नहीं प्ले करेंगे। दोस्तों अगर अहमद खेलते हैं तो यहां पे जिसन महमूद के भी टीम बाहर बैठा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस हो सकता है, बाकी यहां पे अगर खेलते हैं तो जिसन भी आपके लिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगा इस मैच में। नेक्स्ट गाइस बात कर लें यहाँ पे जो रहमान अब्दुल के बारे में। गाइस 2 मैचेस प्ले किया था लास्ट सीजन जहां पे इसने 34 रन बनाए थे, वह गाइस 1 विकेट आपको बॉलिंग करते हुए निकाल कर दिया था। बाकी दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे मोहम्मद तरार के बारे में, जिसने 3 मैचेस में 25 रन बनाए थे बैटिंग करते प्लस 1 विकेट आपको बॉलिंग करते हुए निकाल कर दिया था। उसके अगर दोस्तों बात करते असाद इकबाल के बारे में, 4 मैचेस में 22 रन बनाए थे प्लस 1 विकेट निकाल कर दिया था। और गाइस नेक्स्ट हम बात करते आसिफ खान और दोस्तों आमिर रियाज, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि आमिर रियाज और आसिफ खान में से कोई एक ही प्लेयर यहां पे खेलने वाला है। तो फाइनल जो भी न्यूज आका जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों टेलीग्राम पे आपको मैं फाइनल अपडेट दे दूंगा कि यहां पे दोस्तों जो प्लेयर्स है इनमें से कौन सा प्लेयर यहां पे प्लेइंग 11 में खेलने वाला है, ये सारा अपडेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो वहां पे आपने ज्वाइन जरूर कर लेना है। गाइस यहां पे हो सकता है कि ज्यादा चांसेस रहेगा कि आमिर रियाज इस मैच में खेलेगा। ये प्लेयर काफी अच्छी बॉलिंग डालता है और इसके बाद करें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस आपको काफी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करके देगा, जिससे दोस्तों टीम का दोस्तों रन बचाता है और काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए आपको विकेट्स भी निकाल कर ये प्लेयर दे सकता है। तो दोस्तों टीम चाहेगी कि यहां पे आमिर रियाज को अपनी टीम में प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट बात करें उसामा कुरैशी आपको खेलते नजर आएंगे 11th प्लेयर बॉलिंग के रूप में, जहां पे 8 मैचेस में इस प्लेयर ने 7 विकेट टोटल जो निकाल कर दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको सिंपली प्लेइंग 11 पता लग गया, बैटिंग ऑर्डर दोस्तों यहां पे आपको मैंने बता दिया जिससे आपको दोस्तों अपनी टीम मैनेज करने में काफी जो हेल्प मिल जाएगी और कौन से प्लेयर को लेना है किसको नहीं लेना है सारा कुछ आपको काफी आसानी से पता लग जाएगा। तो दोस्तों यहां से मोस्टली इंपॉर्टेंट भी कौन से प्लेयर की हो सकती है, तो जैसा कि आपको बताया दोस्तों ऊपर सीट ओपन जो भी करेगा यहां पे जो भी
भी खेलेगा इन दोनों में से प्लेयर इंपॉर्टेंट जरूर होगा। उसके अलावा तो नेक्स्ट बात करें सानी ख्वाजा का ट्राई करना, उससे गुरपाल काफी अच्छा ऑप्शन है, वाई वासिफ मोहम्मद रहेंगे, अली हसानी रहने वाले, तो गाइस यहाँ पांच प्लेयर ओपन हो जाएंगे। और बॉलिंग डिपार्ट से बात करूँ तो गाइस यहाँ पे अगर आमिर रियाज खेलते तो इसको ट्राई कर लेना, अदरवाइज दोस्तों आप उसामा कुरैशी के साथ जा सकते हो जो कि इस टीम के लिए काफी शानदार बॉलर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल आपको छह प्लेयर ऐसे बता दिए जो कि जो है बीओटी की टीम की तरफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। साथ ही नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर यहाँ पे प्लेयर बाहर बैठेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नादिम अली जो कि दोस्तों न्यू पिक रह गया इस टीम की तरफ से, अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंडली के लिए, बाकी दोस्तों स्मॉलिंग में इसको प्लेयर को अपने जो है निकाल देना, बाहर रखना इसको ड्रॉप करके। साथ ही नेक्स्ट बात करें जैसा कि आपको बता दिया मैंने जो अहमद जुल्फिकर के बारे में, आमिर रियाज का बताया और गाइस यहाँ पे आसिफ जैसा कि मैंने आपको बताया इनका कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा प्लेयर दोस्तों प्लेइंग 11 में शामिल होगा, तो रिकॉर्ड तो आप सभी के सामने ही है, तो यहाँ पे आपको टीम मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान का टीम की तरफ कि क्या प्लेइंग 11 है, कौन से प्लेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले और किसको अपनी टीम में लेना है किसको टीम से बाहर रखना है, सारा कुछ आपको मैं डीपली जो बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं इमाम दीन दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे ओपन करके देने वाले यहाँ पे पाकिस्तान का टीम की तरफ से, और गाइस बता दूं लास्ट सीजन इस प्लेयर ने केवल 3 मैच खेले था और दोस्तों 8 रन ही केवल बना पाया था, लेकिन गाइस प्लेयर के रिकॉर्ड के ऊपर मत जाना, प्लेयर बहुत ही शानदार है, हो सकता है इस मैच पर आपको बैटिंग करते हुए काफी अच्छे रन जो रन बनाकर दे सकता है। हालांकि लास्ट सीजन दोस्तों इसका जो 3 मैच है केवल 8 रन बनाया था, लेकिन प्लेयर काफी अच्छा था, आप इसको अपनी टीम में जरूर ले लेना, इस मैच में हो सकता है काफी चीज आपको पिक बन के दिखा सकता है। साथ ही गाइस नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फरहान के बारे में, तो गाइस एकमात्र ऐसा प्लेयर जो कि बहुत ही शानदार इस मैच में होने वाले यहाँ पे पाकिस्तान का टीम की तरफ से बैटिंग डिपार्टमेंट, इसने 7 मैचेस में 297 रन टोटल बनाए थे लास्ट सीजन और काफी अच्छे दोस्तों इसकी बैटिंग रहती है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है इस मैच में और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको टीम में अपने कैप्टन करेंगे। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप इसके साथ कैप्टनसी बिल्कुल भी मत जाना, यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों आपके काफी जो ऑप्शन है जिसको आप कैप्टन कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे फरहान को अपनी टीम में वाइस कैप्टन ले सकते हो, लेकिन गाइस कैप्टनशिप के लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। साथ ही गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे अली बाबर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे इस प्लेयर ने 3 मैचेस में 40 रन बनाए और विकेट अभी तक इसको एक भी नहीं मिला है। साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इस प्लेयर की, तो दोस्तों ये प्लेयर आपको काफी अच्छे से रन बनाकर देगा और दोस्तों काफी तेजी से प्लेयर खेलता है, तो यहाँ पे कुछ भी बॉल खेलेगा तो यहाँ पे आपको जो काफी तेजी से रन बनाकर देगा। और दोस्तों इमाम की बात करें तो ये प्लेयर ऐसा है जो कि आपको दोस्तों टिक्के खेलेगा, हो सकता है 2-4 बॉल कुछ ज्यादा रोकेगा उसके बाद दोस्तों ये खेला, मीन दोस्तों प्लेयर ऐसा है जो कि टिक्के खेलना पसंद करता है, ज्यादा तेजी से आपको रन बनाकर नहीं देगा, तो ये दोस्तों आपके ऊपर चॉइस है, अगर लेना है तो ले लेना, अदरवाइज इसको आप ड्रॉप करके इसके अलावा किसी और प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही नेक्स्ट बात कर लेते हैं पे सामिर अली खान, तो दोस्तों यहां पे आपको बता दूं ये प्लेयर मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा और अपनी टीम में हो सकता है मैं इसको अपनी टीम में कैप्टन भी करूंगा, क्योंकि इस प्लेयर बहुत अच्छा है, आप इसका रिकॉर्ड देख लो 7 मैचेस में 106 रन बनाया और गाइस 8 विकेट आपको टोटल निकाल कर दिया हुआ है, तो गाइस प्लेयर का रिकॉर्ड बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। और ऊपर से गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया था मैं इस प्लेयर का रिकॉर्ड भी आप दिखा देता हूं आपको यहां पे, जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया था सानी ख्वाजा के बारे में, तो दोस्तों ये प्लेयर भी काफी अच्छा ऑप्शन रह सकता है कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए, तो गाइस दिमाग अपना लगाना है उसके हिसाब से अपनी टीम दोस्तों अगर आप टीम थोड़ा डिफरेंट बनाते हो, अगर आपको सारे में स्टैट्स देता हूं फिर भी आप वही गलतियां करते हो पब्लिक सिलेक्शन के पीछे जाते हो, तो गाइस आप बहुत बड़ी गलती करते हो, इसी कारण है कि आप मैच हारते हो। जो मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स बताता हूँ जैसे आपको प्रिडिक्शन बताता हूँ उसको फॉलो करके खेलो, आप कभी भी कोई भी मैच नहीं हारोगे और वन साइड इन क्लीनशिप आसानी से कर लोगे। तो गाइस जैसे कि मैंने बता दिया सामिर अली खान दोस्तों ऑलराउंडर काफी बेस्ट, यहाँ पे 4th-5th नंबर पर बैटिंग, दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं हो सकता है 4th पे भी बैटिंग करें या फिर हो सकता है 5th पे बैटिंग करें, क्योंकि अगर खलील जलाली भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पिक है, हो सकता है टीम इसको प्रमोट कर सकती है 4th नंबर पे बैटिंग करने के लिए, लेकिन अगर फिलहाल यहाँ पे सामिर अली खान का दोस्तों जो न्यूज है यहाँ पे 4th नंबर पे ही बैटिंग करेगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 106 रन बनाए 8 विकेट निकाल के, तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन पिक होगा दोस्तों कैप्टनशिप के लिए इस मैच में। बाकी किस नेक्स्ट बात में यहाँ पे खालिद जलाली के 1 मैच खेला इसने लास्ट सीजन दोस्तों, जहाँ पे 10 रन बनाए थे और 1 विकेट, बाकी इस प्लेयर बहुत ही शानदार है तो इसको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा पिक रह सकता है इस मैच के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैमरन जिया जो कि यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों अपना रोल करने वाला है पाकिस्तान का टीम की तरफ से, 5 मैचेस में दोस्तों इसको केवल 2 मैच बैटिंग आई थी जहाँ पे 1 मैच 0 पे आउट हो गया था और 1 मैच इसने 1 रन बनाया था। बाकी दोस्तों नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो है मोहम्मद वाकस का, तो दोस्तों टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, यहाँ पे इसने 5 मैचेस में 14 रन बनाए, बाकी जैसे यहाँ पे देख सकते 6 विकेट निकाल कर दिया और कैसे बहुत ही शानदार बॉलिंग होता है, तो मोहम्मद वाकस दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे रहने वाला बॉलिंग सेक्शन के लिए पाकिस्तान का टीम की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
देख सकते हैं वाकस रैना जो कि 4 मैच में 1 विकेट निकाला है, जुबेर असलम दोस्तों 5 मैच में 2 विकेट निकाला है, उसामका के बाद दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस ये प्लेयर आपको बॉलिंग करके देगा, 5 मैच में इसने 3 विकेट निकाल कर दिया हुआ है टोटल अभी तक। वहीं गाइस बात करें पे बिलाल मोहम्मद को दोस्तों बहुत ही कम लोग ट्राई करने वाले, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मैच में 8 विकेट इसने निकाला। और गाइस मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूंगा कि अपनी टीम में जो बिलाल मोहम्मद को जरूर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक इस मैच के लिए होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको सिंपली क्या है प्लेइंग 11 का पता लग गया, बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाली यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ लग चुके हैं। और यहाँ से अगर बात करूँ मैं मोस्टली इंपॉर्टेंट पिक की तो दोस्तों इमाम का आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, रिकॉर्ड उतना शानदार नहीं है और दोस्तों कुछ कन्फर्म नहीं कि इस प्लेयर का इस मैच में कितना रिकॉर्ड जो है रन करेगा। तो अगर सेफ जाना चाहते हो तो यहाँ पे इसको ले सकते हो, अदर थोड़ा अगर रिस्क लेकर जलना है तो इसको अपनी टीम से आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी यहाँ से दोस्तों बता रहा हूँ फरहान काफी इंपॉर्टेंट पिक है, उसका दोस्तों यहाँ पे अल बाजार काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, शामी रहेंगे और कैसे यहाँ पे जो है खालिल काफी इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। बॉलिंग डिपार्टमेंट दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद वाकस और दोस्तों यहाँ पे जो बिलाल मोहम्मद, दोस्तों ये 6 प्लेयर मैं अपनी टीम में जरूर रखने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होंगे ये 6 प्लेयर्स, मैं दोस्तों कन्फर्म है आपको परफॉर्मेंस करके जरूर दे देंगे, तो इनको अपनी टीम में दोस्तों जरूर रख लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है कि किन किन प्लेयर का मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बाकी आगे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो बेंच पे जो प्लेयर रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लो कौन कौन से प्लेयर, दोस्तों अली हुसैन है, उसका यहाँ पे जमाल है, इनके रिकॉर्ड्स भी आपको मैंने साथ में यहाँ पे लिखकर दे दिए जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा अपनी टीम क्रिएट करने में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर प्लेयर खेलता है यहाँ पे दोस्तों बात करें जितेंद्र सिंह का आप ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छा पिक रहेगा उसका, फारूक काफी अच्छा ऑप्शन है और दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट से जमाल खेलते हैं तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं, अली हुसैन दोस्तों काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल का जो अपडेट दे दिया और दोस्तों यहाँ पे चैनल का लोगो भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आप भी चाहते हो डेली का T10 में प्रॉफिट कमाना। तो सो गाइस अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी ड्रीम इलेवन टीम की जिसका वेट आप सभी को, और गाइस यहाँ पे काफी बेहतरीन टीम मैंने आप सभी के लिए बनाकर रखी है जिसका दोस्तों आपको काफी अच्छा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, सभी के टीम में दोस्तों यहाँ पे जो वासिफ मोहम्मद ही होने वाले क्योंकि बेस्ट प्लेयर है। और कैसे बात करें और जो बैटिंग सेक्शन में फारून चौधरी को लिया, और कैसे पे मैंने अली हुसैन को ले रखा है, और कैसे यहाँ पे बात कर लें यहाँ पे जो एम अशफाक को लिया है फिलहाल, और कैसे मैंने सानी ख्वाजा को लिया। और कैसे मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट पिक, मैं यहाँ पे दोस्तों वाइस कैप्टन जो जाऊँगा दोस्तों यहाँ पे जो सानी ख्वाजा के साथ दोस्तों वाइस कैप्टन इस मैच में मैं लीड करने वाला हूँ। इस लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम वैसे हमारे टेलीग्राम पर मिली जाएगा तो वहाँ पर आपने जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप भी चाहते पहले ही मैच में क्लीन स्वीप विनिंग करना। तो साथ ही गाइस ऑर्डिनरी सेक्शन की बात करें तो यहां पे गाइस शामिर अली खान हमारे टीम के कैप्टन है, और गाइस यहां पे खालिल जलाली रहने वाले और यहां पे दोस्तों जो जी रंधावा होने वाले हैं। गाइस यहां पे अगर आप चाहते हो तो अब्दुल रहमानी को दोस्तों ट्राई कर सकते हो ऑर्डिनरी सेक्शन में, लेकिन गाइस उसका प्लेयर को मैं अपनी टीम में फिलहाल अभी नहीं रखने वाला। लाइनअप के बाद अगर कुछ होता है दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि जो रहमान अब्दुल को अपनी टीम में लेना है या फिर गाइस नहीं लेना है। साथ ही गाइस बॉलिंग डिपार्टमेंट बात करें तो मोहम्मद वाकस को लिया हुआ है, और गाइस बिलाल मोहम्मद को मैंने रखा है, और यहाँ पे जो आमिर रियाज को ले रखा है। अगर आमिर रियाज नहीं खेलता तो आपको क्या करना है, ओसामा कुरैशी को अपने टीम में ले लेना है बॉलिंग डिपार्टमेंट के, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा बीओटी की टीम की तरफ से। तो गाइस यहाँ पे आपको होप कि सब कुछ समझ आ गया होगा कि कौन सी टीम बनानी, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, सारा कुछ आपको मैंने काफी डीपली बता दिया है। तो लास्ट में गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी टीम कैसी लगी है, और गाइस वाइस कैप्टन आपको मैंने जैसा बताया कि एस ख्वाजा को कर सकते हो, काफी अच्छा पिक यहाँ पे रहेगा इस मैच के लिए। साथ ही गाइस टीम पसंद आई है तो गाइस लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको टीम कैसी लगी है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लो और गाइस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना क्योंकि फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। सो गाइस वी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।